दिल्ली के पावर स्टार पवन सिंह हमेशा ही विवादों में घिरे रहते हैं। अब एक बार फिर से वो एक नए विवाद में घिरे नजर आ रहे हैं और इस बार ये भी विवाद एक लड़की को लेकर ही हो रहा है। एक तरफ पवन सिंह ज्योतिष सिंह का तलाक का जो मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से एक लड़की को लेकर काफी ज्यादा विवादों में आ चुके हैं और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी गायिका अनुपमा यादव हैं। आइए बताते हैं कि आखिरकार अनुपमा यादव और पवन सिंह को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। आपको बताते चले कि अनुपमा यादव भोजपुरी की एक गायिका है और वो आए दिन पावर स्टार पवन सिंह के साथ स्टेज शो करती रहती हैं। अब हो कुछ ऐसा रहा है कि अनुपमा यादव का पवन सिंह संग नाम जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि पवन सिंह तीसरी शादी अनुपमा यादव संग करेंगे। इस टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा वीडियो भी बनाया जा रहा है। आइए इन सारे मुद्दों पर आपको इस वीडियो में सच्चाई बताते हैं। दरअसल 5 जनवरी को जिस दिन पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन था, ये विवाद उसी दिन से शुरू हुआ है। पवन सिंह के जन्मदिन के दिन अनुपमा यादव ने पवन सिंह को आई लव यू बॉस बोल दिया था। इसके बाद से ही ये खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई। पवन सिंह को भैया बोलने वाली गायिका अचानक से बॉस और आई लव यू बोलने लगी, तो लोग ये सोचने लगे कि अनुपमा यादव पवन सिंह के प्यार में पड़ चुकी हैं। अभी तक तो केवल ये अफवाह मात्र था, लेकिन इस खबर को हवा तो तब मिली जब एक इवेंट के दौरान पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव को भोजपुरी की महान गायिका कहते हुए स्टेज पर बुलाए, जबकि उस दौरान स्टेज के पास शिल्पी राज भी मौजूद थी, अलका याग्निक और श्रद्धा सिन्हा जैसी फेमस सिंगर भी वहां मौजूद थी। भोजपुरी की तमाम जानी मानी हस्तियां भी उस दौरान वहां पर मौजूद थी। फिर भी पवन सिंह ने महान जैसे शब्द का इस्तेमाल अनुपमा यादव के लिए किया और ऐसा कह के उनको स्टेज पर आमंत्रित किया। तभी से ये खबरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और अनुपमा यादव में कुछ चल रहा है। इस खबर को और भी ज्यादा हवा देने का काम अनुपमा यादव और उनके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप किया। आपको बताते चले कि अनुपमा यादव के बॉयफ्रेंड शिव कुमार बिक्कू संग उनका ब्रेकअप हो चुका है और वो भी इसी बीच हुआ है। अब लोगों का मानना ये है कि पावर स्टार पवन सिंह संग बढ़ती नजदीकियां ही अनुपमा यादव और उनके बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप का कारण है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू दोनों ही अपने अपने बयान दे चुके हैं। आपको बताते चले कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होना या फिर किसी स्टार का किसी और स्टार के साथ नाम जोड़ा जाना आम बात है। पवन सिंह तो पहले भी कह चुके हैं कि हमारी हस्ती ऐसी है कि हम जहां जाते हैं विवाद वहीं शुरू हो जाता है। उनका कहना है कि हम ऐसे हैं कि हमारा अक्सर करके लड़कियों से नाता जोड़ दिया जाता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पवन सिंह अनुपमा से शादी नहीं करने वाले हैं और ना ही उनके साथ उनका कोई रिश्ता है। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ काम के सिलसिले से मिलते जुलते हैं। बाकी उनके बीच क्या रिश्ता है क्या नहीं है या फिर अगर कुछ है भी तो वो अंदरूनी बात है। लेकिन जहां तक दोनों सेलेबस का कहना है तो उन दोनों के बीच कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त की तरह हैं जो कि मिलते जुलते हैं और साथ में काम करते हैं। और अगर शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के रिश्ते की बात करें तो ये सच है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, काफी लंबे समय साथ थे और उनका अब ब्रेकअप हो चुका है। हालांकि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अगर दोनों कपल की बात करें तो दोनों का इस मुद्दे पर अलग अलग कहना है। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।